नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर गाजीपुर से, जहां अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा गाजीपुर ने सादात ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि द्वारा यादव समाज पर जाति सूचक गाली देते हुए मारपीट की घटना के वायरल हुए वीडियो के खिलाफ जिला प्रशासन को पत्रक सौंपा। महासभा के जिला अध्यक्ष ब्रिज किशोर यादव ने कहा कि हम उम्मीद प्रशासन से करते हैं कि एक सभ्य समाज की स्थापना और लोगों में सामंजस्य की प्रक्रिया विद्यमान रहने की कवायद करेगा। ये घटना किसी भी समाज के लिए आने वाले समय में घातक हो सकती है, जिसे परहेज करना जरूरी है। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा इस घटना की कड़ी निंदा करता है और मामले में पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष कार्रवाई करने की मांग करता है। उन्होंने भी बताया कि यदि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो यादव समाज की सुरक्षा और न्याय के लिए सड़क पर उतरेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। इस मौके पर संतोष यादव, कैलाश यादव, रविंद्र यादव, रामजी यादव, अखिलेश यादव, राजनारायण यादव आदि लोग मौजूद रहे। यादव सेना के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करते हुए घटना पर कड़ा आक्रोश जाहिर किया और जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। संतोष भाई, क्या घटना ऐसी घटी है कि जो यादव समाज नाराज है? घटना सर, सादात ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख हैं कमलेश सिंह हकाड़ू, और इससे पहले भी एक मामला उन लोगों का संजय यादव से चल रहा था, तो अपना गाली गलौज का मामला चला। उसके बाद कुछ लड़के गांव के, उन्हीं के गांव में कार्यक्रम था, जा रहे थे लोग। जाने के बाद इन्होंने नाम पूछने के बाद वो जैसे ही यादव बताया, ये मारना शुरू कर दिए और बुरी तरह मारे और सारे यादव समाज के लोगों को गाली देना शुरू कर दिए। तो यह कहीं ना कहीं ये निंदनीय घटना है और यादव समाज के इसीलिए बहुत कष्ट में भी है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। तो हमारी बात अध्यक्ष जी से हुई तो अध्यक्ष जी ने कहा कि ऐसा है कि आज हम लोग मिल करके और कॉन्फ्रेंस के जरिए और कप्तान को पत्रक दे करके इस बात को अवगत कराया जाए कि जिन्होंने ऐसी कार्रवाई, ऐसी हरकत की है, उसके ऊपर कठोर कार्रवाई हो और उसको सजा और जो भी दंड देना हो दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं अध्यक्ष से यह भी कहा कि अगर यह मामला यहाँ तक नहीं समझता है तो एसपी से मिल करके घेराव या आंदोलन के जरिए इस चीज़ को और आगे किया जाएगा। मैं ब्रिज किशोर यादव, अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा गाजीपुर का जिला अध्यक्ष हूँ। ब्रिज किशोर भाई, गाजीपुर में एक घटना घटी है सादात में, क्या घटना है और उस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो घटना मेरे संज्ञान में आई है और कोई ब्लॉक प्रमुख हैं कमलेश सिंह और फकाड़ू सिंह, वो यादव समाज को संबोधित करते हुए गाली दे रहे हैं और किसी यादव लड़के को मार रहे थे। तो वो वीडियो हमने देखा था और जो उस वीडियो को देखने के उपरांत हमको ये लगा कि ये यादव समाज के साथ जो है उत्पीड़न का कार्य किया जा रहा है। ये किसकी सह पे किया जा रहा है ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये जो कार्य हुआ है, घृणित कार्य, इसकी मैं कठोर निंदा करता हूँ और शासन प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच करके और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। वरना यादव समाज जो है उस घटनाक्रम से काफ़ी आक्रोशित है और यादव समाज में उस घटना को लेकर के बहुत ही उन्माद है, जिसको अगर प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो जिसको लेकर के यादव समाज आगे की कार्रवाई करने के लिए बाध्य है। ऐसे में देखा जाए कि काफ़ी जो है हर जगह यादव समाज के ऊपर टारगेट बनाया जा रहा है, आखिर क्या मंशा है ये, क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए, यादव समाज के ऊपर पीड़न इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यादव जो है दबता नहीं है, यादव कभी दबने का काम नहीं किया है, अपनी बात को रखता है, किसी भी मंच पर रखता है और पूरी दमदारी के साथ रखता है। शायद इसीलिए कुछ लोग घबराहट में या डर की वजह से या भय की वजह से यादव समाज का उत्पीड़न किया जा रहा है। तो अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा ये उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेगा। यादव समाज का कोई भी व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कोई भी जो है उत्पीड़न होता है, उसके साथ कोई भी घटना होती है, अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा पूरी मुस्तैदी के साथ और पूरी ताकत के साथ उसके साथ खड़ा है। अगर कार्रवाई पूरी नहीं की गई तो फिर आगे की रणनीति आप लोग की क्या होगी? देखिए, अभी इस पर हमने कुछ सोचा नहीं है और मैं अपने इस पर माननीय उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जी से बात करूंगा कि इस पर आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए। अगर शासन
हमारी बातों का संज्ञान लेते हुए उस मामले पर उचित कार्रवाई करता है और दोषियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करता है, तो जाहिर सी बात है कि हम इसके आगे कुछ नहीं करना चाहेंगे और ना ही हमारी